हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भले ही अब तक एक बार भी आईपीएल खिताब न जीत पाई हो, लेकिन हमेशा से ही आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक रही है। और इस सीजन में आरसीबी ने अपने शुरुआती चार मैचों में पहली बार चार जीत के साथ आईपीएल 2021 अभियान की शानदार शुरुआत की है। हालांकि पांचवें और सातवें मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद आरसीबी इस बार आईपीएल खिताब के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है और अब तक पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। टूर्नामेंट को बीच में पोस्टपोन किए जाने से संपूर्ण आईपीएल फैंस के साथ साथ आरसीबी फैंस को भी बहुत निराशा हुई है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, आईपीएल 2022 से पहले ही आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है और आरसीबी को अपने इस साल के प्रदर्शन को आईपीएल 2022 में भी बरकरार रखने के लिए अपनी टीम में कुछ बड़े खिलाड़ियों की आवश्यकता होगी। इसी कारण आने वाले मेगा ऑक्शन में यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आरसीबी किन खिलाड़ियों को रिटेन करती है और किन्हें वो नीलामी में खरीदेंगे। आज की वीडियो में हम उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे जिन्हें आरसीबी टीम प्रबंधन द्वारा डायरेक्ट रिटेन किए जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। नंबर वन, विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे पहले 6000 रन का आंकड़ा पार करने और आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ी होने के साथ ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिसने आईपीएल के सभी सीजन्स में एक ही टीम के लिए खेला है। हाल के वर्षों में किंग कोहली विश्व के सबसे सफल कप्तानों में से एक बनकर उभरे हैं। रन मशीन कोहली अपने बल्ले से किसी भी क्षण मैच का रुख पलटने में सक्षम है। इस आईपीएल सीजन में भले ही अपने बल्ले से उतना खास प्रदर्शन न कर पाए हो, लेकिन इनकी कप्तानी में आरसीबी ने शानदार खेल दिखाया है और इसी कारण अगर मेगा ऑप्शन होता है तो कोहली आरसीबी के फर्स्ट चॉइस रिटेंशन प्लेयर हो सकते हैं। नंबर टू, एबी डिविलियर्स। क्रिकेट जगत में मिस्टर 360 के नाम से फेमस एबी डिविलियर्स कितने बड़े खिलाड़ी हैं, शायद ये मुझे आप सभी को बताने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी क्रिकेट प्रेमी हो, इनके बल्लेबाजी का दीवाना तो होगा ही। आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक होने के साथ ही डिविलियर्स एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। पिछले कई सीजन से ये आरसीबी के एक की प्लेयर रहे हैं और अपनी टीम के लिए योगदान देने में शायद ही कभी असफल होते हैं। ये विश्व के बेहतरीन फील्डरों में से भी एक हैं। इस सीजन में भी डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ अपने दम पर दो मैच जिता चुके हैं और आईपीएल 2021 के टॉप रन स्कोरर्स में से एक हैं। इन्हीं सभी कारणों से हमको नहीं लगता कि आरसीबी डिविलियर्स को रिलीज करने का रिस्क लेगी और इन्हें जरूर रिटेन करेगी। नंबर थ्री, मोहम्मद सिराज। वर्तमान में मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट जगत के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, फिर चाहे बात टेस्ट क्रिकेट की हो या लिमिटेड ओवर क्रिकेट की, यह खिलाड़ी दोनों में ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इस सीजन में भी सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है और आरसीबी के तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस सीजन में एक शानदार अंतिम ओवर डालकर आरसीबी को मैच भी जिता चुके हैं। कप्तान कोहली ने इन पर काफी विश्वास जताया है और सिराज ने उस विश्वास का अच्छा रिटर्न भी दिया है। हाल ही में इन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड दौरे के लिए भी चुना गया है। इसके अलावा युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर के खराब फॉर्म ने सिराज को आरसीबी टीम में बने रहने की संभावना को भी बढ़ा दिया है। इन्हीं सभी रीजंस के चलते आने वाले वर्षों में आरसीबी इसे अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण का भविष्य के रूप में देख सकती है और रिटेन भी कर सकती है। इस वीडियो में मैंने आप सभी को इन तीन खिलाड़ियों के रिटेन किए जाने के सभी कारणों को डिटेल में बताया है। फिर भी आप सभी को क्या लगता है कि आरसीबी कौन से तीन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।